इंसानी फितरत है दोस्तों। कुदरत ने हमको सब कुछ दिया, प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन इंसान अपनी तकनीक पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर इतराता फिरा, हुआ कुछ नहीं। बस ये है कि उसे लौटकर वापस कुदरत की तरफ आना पड़ा। कैसे? पता है, हमारे बुजुर्ग हमसे वैज्ञानिक रूप से बहुत आगे थे, थक हार कर वापस उन्हीं की राह पर वापस आना पड़ रहा है। मिट्टी के बर्तनों से स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों तक, फिर कैंसर के खौफ से दोबारा मिट्टी के बर्तनों तक आ जाना। अच्छा, अंगूठा छाप से दस्तखतों पर यानी सिग्नेचर्स पर, और फिर अंगूठा छाप यानी कि थंब स्कैनिंग पर आ जाना, है ना? फटे हुए सादा कपड़ों से साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़ों पर फिर फैशन के नाम पर अपनी पैंटें फाड़ लेना, सूती से टेरिलीन, टेरिकोट और फिर वापस सूती पर आ जाना। ज्यादा मेहनत वाली जिंदगी से घबराकर पढ़ना लिखना, फिर IIT MA BA करके ऑर्गेनिक खेती पर पसीना बहाना, कुदरती से प्रोसेस्ड फूड, कैन फूड, पैक्ड जूसेस, इन पर, और फिर बीमारियों से बचने के लिए दोबारा कुदरती खानों पर आ जाना। पुरानी और सादा चीजें इस्तेमाल ना करके ब्रेन डेड, फिर आखिरकार जी भर जाने पर पुरानी एंटीक पर उतर आना। बच्चों को इन्फेक्शन से डराकर मिट्टी में खेलने से रोकना, फिर घर में बंद करके फिसड्डी बनाना, और होश आने पर दोबारा इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर मिट्टी से खिलाना। क्या गांव जंगल से डिस्को, पब और चकाचौंध की ओर भागती दुनिया की ओर, और फिर शांति और स्वास्थ्य के लिए गांव में फार्म हाउस के नाम पर वापस गांव में लौटना। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि टेक्नोलॉजी ने जो दिया है उससे बेहतर तो कुदरत थी, प्रकृति, जो हमें पहले से ही दे चुकी थी, है ना? अपना ख्याल रखिएगा।